जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय मित्रजनों, भाइयों, बहनों, आप लोगों के लिए सावन के इस पुनीत अवसर पर ये बरसात के समय कितनी बीमारी, कितनी बाधाओं से हम फंसे हुए रहते हैं। निरंतर डॉक्टरों का चक्कर लगाना, कहीं पेट में दर्द होता है, कहीं सीने में दर्द होता है, कहीं घुटनों में दर्द होता है, अनेकों बीमारी हमारे साथ लगी है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, आज सुंदर सा हम व्यवस्था आपको लेके आए हैं। कहते हैं हमारे घर में ही दवाई होती है, हमें जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आइए आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बड़े प्रेम से श्रवण पान करिएगा। अजवाइन से 36 बीमारी ठीक होती है। बुखार कैसी भी हो, अजवाइन से ठीक हो जाएगी। 10 साल से हड्डी में बुखार है तब भी वो ठीक हो जाएगी। कितनी भी बड़ी खांसी हो, आपको खांसी बहुत आती है, यदि आपके नेत्रों में निरंतर आंसू आते हैं, नेत्रों लाल हो रहे हैं, नेत्र आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अजवाइन इस्तेमाल करें, आपके नेत्रों की बीमारी दूर हो जाएगी। घुटनों में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। कितनी भी पुरानी बीमारी है, सिर का दर्द कितना भी पुराना क्यों ना हो, हम निरंतर डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, परंतु तुरंत में आराम लगता है, जड़ से बीमारी ठीक नहीं होती। दवाई का अधिक सेवन करोगे तो बीमारी को न्योता दे दोगे। माता पिता की बात माने, घर का इलाज करें, अपने आप को बचाएं, सावधानी की आवश्यकता है। बरसात के समय दिन में भोजन खूब करें, रात्रि में 2 रोटी की भूख बनी रहे, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परंतु व्यक्ति जन्मदिन में, पार्टी में अधिक तेल वाली वस्तु खाने से बीमार होता है। बरसात के समय वासा भोजन नहीं करना चाहिए, एकदम ताज़ा भोजन करें, समय से आराम करें। रात्रि में एक बजे हम सोते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं, तो बीमारी को हम न्योता देते हैं। हमें समय से 9 बजे 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह प्रातःकाल उठना चाहिए, क्योंकि हमारे राम जी भी प्रातःकाल उठते थे। चौपाई हमारे तुलसीदास जी ने लिखी है, प्रातःकाल उठ के रघुनाता, माते पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। सुबह उठ करके घूमना चाहिए, जिससे हमारी जीवेत सर्दा शतम, आप 100 साल तक जिएंगे। इसलिए निश्चित रूप से आप सुबह जल्दी, रात्रि में 10 बजे विश्राम करें और प्रातःकालीन 5 बजे उठ जाइए। अपने आप को अच्छा रखना है, लंबी आयु जीना है, शहद का ध्यान रखें और अपने आप को बचाएं। कहते हैं हम न्योता कब देते हैं, जब बाहरी चीज़ें हम बाहर भी होटलों में तरह तरह के भोजन करते रहते, कहीं भी खड़े होकर के कुछ भी खाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब आप बैठ जाइए तब पानी पिए, खड़े खड़े पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से बीमारी को, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। जो लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं वो बीमारी को न्योता देते हैं, उनके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। इन दर्दों से बचें, ये बीमारियों से बचें। पेट का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, हाथों का दर्द, गदेली का दर्द, नाखूनों का दर्द, बाल यदि झड़ते हैं, भूख नहीं लगती है, गुस्सा अधिक आता है, नींद नहीं आती है, हाथों में दर्द, नाखूनों में दर्द, सीने में दर्द, घुटनों में दर्द, पिड़ली में दर्द, पेट में दर्द, नसों में दर्द, उल्टी जैसा लगना, पैरों में दर्द, अंगूठा में दर्द, छीली में दर्द, जांघों में दर्द, कमर में दर्द, नसों में दर्द, इस पूरे वीडियो को देखेंगे तभी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आइए आपको अजवाइन का कैसे सेवन करना है, कैसे उसको रात्रि कालीन, हमको कहते हैं 5 चम्मच अजवाइन रात्रि में 1 गिलास में डालें, सुबह कपड़े से घिसें,
उसकी बीजी निकालें, फिर उसे पीस लें। पीसने के बाद एक दीपावली वाला दिया कुछ गैस में रखें, जब वो गर्म हो जाए, लाल हो जाए, गैस से निकाल करके जिस तरह हम तड़का देते हैं, बघार देते हैं, उस तरह लोटे में रख करके उस वाले पानी को, अजवाइन वाले पानी को एक कप पानी में मिला करके और बढ़िया शरबत जैसे उसको घोल लें और छान करके उसका पान करें। एक महीने तक यदि आप इस जल को पिएंगे तो आपकी 36 बीमारी दूर हो जाएगी, आपको डॉक्टर के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। हमारे पहले बुजुर्ग सियाने लोग घर का ही इलाज करते थे, आज तो थोड़े से दर्द हुए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टरों के राउंड लगाते रहते हैं। सुबह शाम भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें, भोले बाबा की इस सबसे बड़ी प्यारी जड़ी बूटी है अजवाइन। जो भी भोले बाबा के भक्त हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भोले बाबा का ये अजवाइन वाली दवाई को इस्तेमाल करें, आपकी 36 बीमारी दूर हो जाएगी। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ एक महीने तक पान करोगे, आपकी बीमारी बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा और आपका जीवन, आपकी आयु 100 वर्ष होगी। 100 वर्ष यदि जीना है तो निरंतर आप एक महीने तो इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से अजवाइन सबके घर में होती है, आप बढ़िया निरंतर रूप से अपनी माँ से बोल करके फुलवा दें और उसको उसी तरह जो नियम बताया है नियम अनुसार करके उसका रस पान करें, उसका पान करेंगे, सेवन करेंगे और दूसरों को भी बताएं। कहते हैं यदि आपको ऐसी वीडियो और भी आपको देखना है, बीमारी बाधा समस्या यदि आपके साथ है, निश्चित रूप से मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो आप निश्चित फ़ोन करके भी आप बात कर सकते हैं और सुझाव के लिए कोई मेरी फीस नहीं है, आप जब चाहें जब फ़ोन कर सकते हैं। और आगे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।